अथ पंचदशो अध्याय सुखदेव जी का विवाह के लिए अस्वीकार करना तथा व्यास जी का उनसे श्रीमद देवी भागवत पढ़ने के लिए कहना। श्री शुक वाच। हम करिष्यामि दुःखदं सर्वदातितः भगुरा सदृशं नित्यं बन्धनं सर्वदेहिनां। श्री सुखदेव जी बोले, हे पिता, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान यह आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन रूप है। धन चिंता तुराणां हि वसुखं तत् दृश्यते स्वजनः खलु पीड्यन्ते निर्धना लोलुपाजनः। धन दान की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवारजनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्रूपी न सुखी तादृ यादृशो भिक्षु निस्पृह पुण्यः स्यादिह संसारे त्रिलोकी विभुवे सती। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निष्प्रिय भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीन लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। तपन्तं तपसं दृष्ट्वा मघवा दुखितो भव विघ्नान् बहुविधानस्य करोति च दिवस्पतिः। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न करने लगते हैं। ब्रह्मा भी न सुखी विष्णु लक्ष्मीं प्राप्य मनोरमां खेदं प्राप्नोति सततं संग्रामैरसुरैः सह करोति विपुलान् यत्नं तपश्चरति दुश्चलम् श्रीमान कस्यास्ति विपुलं सुखम्। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है और मनोरम लक्ष्मी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार में किसको बहुत सुख है। शंकरोऽपि सदा दुःखी भवत्येव च वेद्यहम् तपश्चर्यं प्रकुर्वाणो दैत्ययुद्धकरः सदा। भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। कदाचिन्न सुखी शेते धनवानपि लोलुपः निर्धनस्तु कथं तात सुखं प्राप्नोति मानवः जानन्नापि महाभाग पुत्रं वा वीरसंभवम् नियोक्ष्यसि महाघोरे संसारे दुःखदे सदा। एतात् जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी भी सुखपूर्वक सो नहीं पाता तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसीलिए हे महाभाग, यह जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक और महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हैं। जन्म दुःखं जरा दुःखं दुःखं च मरणे तथा गर्भवासे पुनर्दुःखं क्लिष्टा मातृमये पिता तस्मादतिशयं दुःखं तृष्णा लोभसमुद्भवम् याश्रयां परमं दुःखं मरुणादपि मानद। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख और पुनः विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहन करना पड़ता है, उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानद, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। प्रतिग्रह धरा विप्र न बुद्धि बल जीवना पराशा परमं दुःखं मरणं च दिने दिने। ब्राह्मण
पार्थिव ग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते। दूसरे के भरोसे पर रहना परम दुखकर है और वह अहर्निश मृत्यु के समान होता है। पठित्वा सकलान् वेदान् शास्त्राणि च समन्ततः कृत्वा च धनिनां कार्य स्तुतिः सर्वात्मनां बुधैः। एकोदारसिका चिन्ता पत्रमूलफलादिभिः येन केनाप्युपायेन सन्तुष्ट्या च प्रपूर्यते। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनिकों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, उसे तो केवल फल पत्र एवं कंदमूल आदि से किसी भी प्रकार संतुष्टि पूर्वक भरा जा सकता है। भार्या पौत्र सथा पौत्र कुटुम्बे विपुले सति पूर्णार्थं महादुःखं वसुखं पितरभूतम्। हे पिताजी, भार्या पुत्र पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ है। योग शास्त्रम वदमाम ज्ञान शास्त्रम सुखाकरम कर्म कांड खिले ताते नरामेहं कदाचन। इसीलिए हे तात, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश कीजिए। संपूर्ण कर्मकांड में मेरा मन कभी भी नहीं लगता। वद कर्म च योपायं प्रारब्धं संकृतं तथा वर्तमानं यथा नश्येत् त्रिविधं कर्म मूलजम्। अतः कर्मक्षय का कोई उपाय बताइए जिससे संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्म फल नष्ट हो जाएं। जलुकेव सदा नारी रुधिरं पिबति वै मूर्खस्तु न विजानाति मोहितो भावचेष्टितः। स्त्री जोग के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। भोगैर्वीर्यं धनं पूर्णं मनः कुटिल भाषणैः कांता हरति सर्वस्वं कहस्ते नास्तात् त्रिषु परः। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज का तथा अपनी वचन चातुरी द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व हरण कर लेती है, इससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है। निद्रा सुख विनाशार्थम मूर्खस्तु दर संग्रहम करोति वंचितो धात्रा दुखाय न सुखाय च। इसलिए मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूतवाच एवं वेदानि वाक्यानि श्रुत्वा व्यासः शुकस्य च सप्राप महतीं चिन्तां किं करोमिति संशयम् तस्य शुश्रुव श्रोणि लोचनाद्युख जानि च रेपथुश्च शरीरे उद्वानिं प्राप मनस्तथा। सूजी बोले, इस प्रकार सुखदेव जी की युक्ति युक्त ये बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए और वे मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। तत्पश्चात उनकी आंखों में दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में ग्लानि होने लगी। शोचन्तं पितरं दृष्ट्वा दीनं शोक परिप्लुतम् उवाच पितरं व्यासं विस्मयोत्फुल्लोचनः अहो माया बलं चोग्रं यन्मोहयति पंडितं वेदान्तस्य च कर्तारं सर्वज्ञं वेदसम्मितम्। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी से कहा, अहो माया कितनी प्रबल है, जो कि यह वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेद का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। न जाने कच सा माया किंस्त्वित सातिव दुष्करा यमोहयति वेत्वांसं व्यासं सत्यवती सुतम्। न जाने वह कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर माया है जो सत्यवती सुत विद्वान व्यास जी को भी मोहित कर रही है। पुराणानां च वक्ता च निर्माता भरतस्य च
विभाग कर्ता वेदानां सोपि मोहं पागतः। जो पुराणों के वक्ता महाभारत के रचयिता वेदों के विभाग करता है वे भी माया जनित मोह को प्राप्त हो गए हैं। तामयामी शरणं देवी यमोहायति वै जगत् ब्रह्म विष्णु हरादिश पाथान्येषां च कीदृशी। इसीलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि को भी मोहित कर देती हैं, तब दूसरों की बात ही क्या है। को व्यास्ति त्रिषु लोकेषु यो नामो यति मायया जन्मोऽहं गमितः पूर्वे ब्रह्म विष्णु हरादयः। तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित ना होता हो। उस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। अहो महाबलो वीर्यम दिव्याखानु विनिर्मितम मायैव वशं नीत सर्वज्ञ ईश्वर प्रभु। उस भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। विश्वंस शंभो व्यास इति पौराणिक जगो सोपि मोहन वे मग्न भग्न पोतो वणिग्यता। पौराणिक द्वारा कहा गया है कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में भग्न जलयान वाला वणिक। अष्टुपातं करो त्यज्य विवशः प्रकृतो यथा अहो माया वरं चैत हस्त्यजं पंडितैरपि। आज वे भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। अहो माया बड़ी प्रबल है, इसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं त्याग पाते। कोयम को हम कथम चेह किदृशोयम हम किल पंचभूतात्मके देह पिता पुत्र दिवासुना बलिष्ठा खलु मायेयम मायीनामपि मोहिनी जया भी भूत कृष्णोपि मरोति रुदनं द्विजः। व्यास कौन है, मैं कौन हूँ, यह संसार क्या वस्तु है और यह कैसा भ्रम है, इस पांच भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहाँ से आई, यह माया अति प्रबल है जो मायावियों को भी मोहित कर देती है। उसके वशीभूत होकर वहाँ द्विज कृष्ण द्वैपायन भी रुदन कर रहे हैं। सूत उवाच तामनत्वा मनसा देवी सर्व कारण कारणम जननी सर्वदेवानां ब्रह्मादीनां तथेश्वरीं पितरं प्रहदीनं तं शुकाणावपरिभृतम् अरणि शंभो व्यासं हेतुमद्वचनं शुभम्। सूजी बोले सब कारणों की एकमात्र कारण सब देवताओं की जननी और ब्रह्मा आदि देवताओं की भी स्वामिनी आदि शक्ति भगवती को मन से स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता व्यास जी से अरणी पुत्र सुखदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहा। पराशर्य महाभाग सर्वेषां बोधदः स्वयं किं शोकं कुरुषे स्वामिन् यथाज्ञः पतितो नरः। हे पराशर नंदन, हे महाभाग, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, तब हे स्वामिन आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसा कोई अज्ञ साधारण व्यक्ति करता है। अद्याहं तव पुत्रोऽस्मि न जाने पूर्व जन्मनि कोऽहं कस्त्वं महाभाग विभ्रमोऽयम् आत्मनि। हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु यह कौन जानता है कि पूर्वजन्म में मैं कौन था और आप कौन थे, यह संसार तो महात्माओं के लिए एक भ्रम मात्र है। गुरु धैर्य प्रबोध्यस्त्व मवेशादि मनः कृता मोह जालमिमं मत्वा मुञ्च शोक महामते। अतः आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में खेद न करें। हे महामते, इसे मोहजाल समझ कर आप शोक का परित्याग करें। निवृत्तिर्भक्षेण न पुत्र दर्शनेन च पिपासा जलपानेन जातिनैवात्मजैक्षणात् घ्राणं सुखं सुगन्धेन
व्याकरण जम श्रवणेन च श्रीसुखं तु त्रियानून पुत्रोऽहं किं करोमि ते। भोजन से मिटती है पुत्र के देखने से नहीं, प्यास भी जल पीने से मिटती है केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातों से कानों को और स्त्री से विशेष सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। अजी करते न पुत्रोपि हरिश्चंद्राय भूजे पशु कामय यज्ञार्थे ततो मौल्यन सर्वथा सुखानां साधनं द्रव्यं दानात् सुखसमुच्चय धनमर्जय लोभश्चित् पुत्रोऽहं किं करोम्यहम्। किसी समय अजीगर्त नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र शुनःशेप को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ भेज दिया था। सुख का साधन केवल धन ही है और धन ही सुख की राशि है, अतः यदि आपको लोभ हो तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूँ। मा प्रबोधय बोध्यात्म देवज्ञोऽसि महामते यथा मुच्यमात्यन्तं गर्भवासुभयान्मुने। हे महामते, आप देवज्ञ हैं, अतः हे मुने आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। दुर्लभम मानुषम जन्म कर्म भूम विहानः तत्रापि ब्रह्मणत्वं दुर्लभम चोत्मे कुले। हे पवित्र आत्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। बद्धोऽहमिति मे बुद्धि नापुंसकपते चेत्तः संसारोऽसुना जाले निविष्टा वृद्धिगामिनी। मैं अबद्ध हूँ, यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती, संसार के वासना जाल में यह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती ही जाती है। सूत वाच। इत्युक्तस्तु तदा व्यास पुत्रेणामित बुद्धिना प्रत्युवाच सुखं शान्तं चतुर्थाश्रम मानसम्। सुख जी बोले, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र सुखदेव के ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांत एवं सन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले सुखदेव जी से कहा। व्यास वाच। पठ पुत्र महाभाग माया भागवतम कृतम शुभम प्राचाति वेस्तीर्णम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्री देवी भागवत पुराण को तुम पढ़ो, वेद तुल्य पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है। स्कंदाद्वादश तत्रैव पंच लक्षण संयुतम सर्वेषां च पुराणां पोषणं मम सम्मतम। इसमें 12 स्कंद हैं, यह पुराणों के पांचों लक्षणों से युक्त है, मेरे विचार में यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। सद संज्ञान विज्ञानम श्रुत मात्रण जायते येन भागवते नेह तत्पठत्वम् महामते। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होता है उसे तुम पढ़ो। पट पत्र शयानाय विष्णुवे बल रूपिणे केनास्मि बल भावेन निर्मितोऽहं चिदात्मना किमर्थं केन द्रव्येण कथं जानामि चाखिलम् इत्येवं चिन्त्यमानाय मुकुन्दाय महात्मने। श्लोकार्थेन तया प्रोक्तं भगवत्यखिलार्थदं सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्। एक बार महाप्रलय काल में वट पत्र पर चयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे कि किस चिदात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है, इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो। इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बालमुकुंद से उन आदिशक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोक में इसी प्रकार कहा। सर्वम खलविद में वाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। तद्वचो विष्णुना पूर्वं संविख्यातमनस्यपि
तेनोक्तावागीयं सत्य चिन्तयामस चेतसा कथं वेद्मि प्रवक्तारं त्रिपुंसो वा नपुंसकम् इति चिन्ता प्रपन्नेन कृतं भागवतं हृदि पुनः पुनः कृतोच्चारस्तस्मिन्ने वस्तु चेतसा पटपत्रे शयानः सन् उचिन्ता समन्वितः। यह बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए अब वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, इस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक है। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोकार्थ में मन लगाए हुए वे बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वट पत्र पर सोए हुए वे भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। तदा शांता भगवती प्रदुरास चतुर्भुजा शंख चक्र गदा पद्म परायुध धरा शिवा दिव्यांबर धरा देवी दिव्य भूषण भूषिता संयुता सदृशिभिश्च सखीभिः स्वाविभूतिभिः प्रादुर्बभुव तस्याग्रे विष्णुरमित तेजसः मदहास्यं प्रयुञ्जान महालक्ष्मी त्रुवनना। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांति स्वरूपा शांता शिवा दिव्य अस्त्रा भूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित प्रादुर्भूत हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। सूत उवाच ताम तथा स्थितां दृष्ट्वा हृदये कमलेक्षण विस्मितः सलिले तस्मिन् निराधारं मनोरमां। सूजी बोले उस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देखकर कमल नयन भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़े। रतिर्भूतिस्तथा बोध्य मतिः कीर्तिः स्मृतिर्धृतिः श्रिधा मेधस्मदा स्वाहा क्षुधा निद्रदया गतिः तुष्टिः पुष्टिः क्षमा लज्जा जिह्वा तन्द्रा च शक्तयः संस्थितः सर्वतः पार्श्वे महादेव्याः पृथक् पृथक्। वहाँ रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा सुधा स्वाहा क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जृम्भा तंद्रा ये शक्तियाँ अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप सभी ओर खड़ी थी। परायुध धरा सर्व नाना भूषण भूषिता मंदार माला को लेता मुक्तार विराजिता। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थी, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी तथा उनके हृदय पर मंदार की मालाएं और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। तां दृष्ट्वा तस्य संवीक्ष्य तस्मिन्ने कर्णवे जले विस्मयाविष्ट हृदय संभूव जनार्दनः। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सभी अनान्य सखियों को उस प्रलय सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। चिन्तयामस सर्वात्मा दृष्ट मायुति विस्मितः भूतो भूतः स्त्रियः सर्व भूतो वट तल्पगः अस्मिन्ने कण्वे घोरे न्यक्रोधः कथमुत्थितः केनाहं स्थापितोऽस्म्यत्र शेषं कृत्वा शुभाकृतिम्। इस प्रकार भगवती की माया देखकर अति चकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे, ये देवियां कहाँ से आ गई, मैं वटवृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया, इस एकार्णव महासागर में वटवृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया और किसके द्वारा मैं सुंदर स्वरूप वाला बालक बनाकर उस पर स्थापित किया गया हूँ। ममेयं जननी नोम मायावा कापि दुर्घटा दर्शनं केन चेत्वाद्य ततं वा केन हेतुना। यह मेरी माता तो नहीं है अथवा यह कोई दुर्घट माया है, किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं। कि माया चतुर्वक्तव्यं गंतव्यं वनवाक्वचित् मनमास्थाय तिष्ठेयं बालभावत तन्द्रितः
अब मैं इस विषय में क्या कहूँ, मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ अथवा मौन धारण करके बाल भाव से सावधान होकर यहीं स्थित रहूँ। श्रीमद देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायाम प्रथम स्कंधे शुक वैराग्य वर्णनम नाम पंचदशो अध्यायः।